हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग क्रॉनिकल्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बंद गोभी के बड़े की रेसिपी, जिसे आप इवनिंग स्नैक्स में, छोटी मोटी पार्टीज में या किटी पार्टीज में स्नैक्स के रूप में बना सकते हैं। और जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, उनके लिए बेस्ट स्नैक्स है। तो मैं शिवानी, आपकी दोस्त, और आप देख रहे हैं कुकिंग क्रॉनिकल्स। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कटोरी धुली हुई उड़द की दाल ली है, जिसे मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। और ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट भीग चुका है। और अब हम इसे एक मिक्सी जार में डाल करके बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो इसका पेस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे पीस लेंगे। एक बार में पानी डाल के इसे नहीं पीसना है। तो ये देखिए, एक बार मैंने पानी डाला और दोबारा मैं पानी डाल के इसे पीस रही हूँ। जैसे हम बड़े के लिए बनाते हैं ना, दही बड़े के लिए, उसी तरह से एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे इसका। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसका बिल्कुल स्मूथ और परफेक्ट पेस्ट बना लिया है। अगर आप इसे हाथ में छू करके देखेंगे तो बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है इसका। तो हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए इसका। अब मैंने इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम इसे खूब अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये इस तरह से हाथों से गोल गोल घुमाते हुए इसे खूब अच्छी तरह से फेंट लें और एक ही डायरेक्शन में फेंटें। और इसको तब तक फेंटेंगे जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए और ये बिल्कुल हल्का ना हो जाए। तो इसे चेक करने के लिए हम इसे एक बोल में पानी ले लेंगे और उसमें डाल करके देखेंगे। तो ये देखिए, ये ऊपर तैरने लग गया है। और आप इसे उंगली से भी डुबाएंगे तो ये वापस ऊपर आ जाएगा। अब हम इसमें मिला लेंगे स्वादानुसार नमक, एक चम्मच चाट मसाला पाउडर, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च ना हो तो आप पाउडर ले लें, एक चम्मच कुटा हुआ काली मिर्च का पाउडर, एक चम्मच अदरक का पेस्ट और चार पांच हरी मिर्च को बारीक काट के डाला है मैंने। और साथ ही डाल देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और अब हम इसमें डालेंगे सबसे ज़रूरी चीज़, ये बंद गोभी, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। अब इन सबको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत साल पहले मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये बना के खिलाया था और मुझे इतना पसंद आया था कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है और अब इसे खूब अच्छे से गर्म कर लेंगे। और इधर यहाँ पे एक बोल में पानी ले लेंगे और इस तरह से हाथ भिगा करके और इसके छोटे छोटे से गोल गोल से बड़े बना लेंगे। इस तरह से हाथ में लेंगे और बीच में अंगूठे से गड्ढा करते हुए इसे डायरेक्ट तेल में डाल देंगे। यहाँ पे ध्यान रहे कि हाथ आप अच्छे से भिगा लें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि पानी तेल में ना टपके, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, इसके छींटे आपके ऊपर आ सकते हैं। तो कढ़ाई में जितनी जगह हो आप उतने ही बड़े पहले कढ़ाई में डालें। ये देखिए, इस तरह से हाथ में ले लेंगे और अंगूठे से गड्ढा करते हुए इसमें डालते जाएंगे। फ्लेम को डालते समय बिल्कुल तेज आंच पे रखेंगे और डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। अब ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे। एक से दो मिनट के अंदर ही ये बिल्कुल नीचे से छूट जाएंगे और अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे। अगर ये नीचे से चिपक रहे हैं तो जैसे ही नीचे थोड़ा सा सुनहरा होने लग जाए तो थोड़ा सा चम्मच से नीचे से सहारा देते हुए इसे छुड़ा लें, तो ये ईजिली ऊपर आ जाएगा। और इस तरह से उलट पुलट के अच्छे से इसे फ्राई कर लें। फ्लेम को मीडियम ही रखें वरना अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखिए, बहुत अच्छे से अब फ्राई हो चुका है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा हो गया है ये। तो अब इस स्टेज पे इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ना, ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बिना प्याज के ये बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये लगेगा ही नहीं कि इसमें बंद गोभी डला हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, कभी कुछ अलग सा खाने का मन हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए, मैं दूसरा बैच भी डाल रही हूँ। अब बहुत आसानी से ये हाथ में पानी लगाएं और इसे डालते जाएं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको बनाने में। आप इसे इस तरह से बना करके दही में भी डाल सकते हैं, दही बड़े में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। या फिर आप इसके ऊपर सिंपल खट्टी मीठी चटनी डाल करके भी इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए, अब सेकेंड बैच भी रेडी हो चुका है, मैं इसे भी निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बंद गोभी के बड़े बन करके रेडी हैं। ये देखिए, मैं आपको इसे तोड़ करके दिखा रही हूँ, अंदर से कितना सॉफ्ट है और बहुत ही जालीदार बन करके रेडी हुआ है।
तो चलिए आप भी इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और थैंक यू सो मच।